हेलो गर्ल्स, आज मैं आपके साथ मेरा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ अबाउट द मेंस्ट्रुअल कप। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा इसके साथ, कि जैसे हम बोलते हैं कि जैसे चिड़चिड़ होता है मेंटली, वो इससे नहीं होता एक तो, और दूसरा जो हमें वेट फीलिंग आती है कि वहाँ पे हम पैड रखते हैं तो वो फीलिंग नहीं आती, वेट फीलिंग नहीं आती। जैसे हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू ही नहीं है, वी कैन फील दैट जो, लेकिन मेन पार्ट वो है इसका कि हमें ये फील नहीं आता कि यस हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू है तो हमें कहीं जाना आना है तो हमें सोचना पड़ता है। सो वी कैन यूज़ दिस एंड एकदम फ्रीली रह सकते हैं रूटीन डे जैसे। और दूसरा एनवायरनमेंट के हिसाब से देखें तो बोलते हैं कि एक पेड जो हम रेगुलर पेड यूज़ करते हैं, वन पेड इज इक्वल टू 4 पॉलीथीन बैग। तो जब हम उसे डिस्पोज करते हैं तो हम एनवायरनमेंट में 4 पॉलीथीन बैग डिस्पोज कर रहे हैं एक पेड के साथ। तो सोचो कि हमारे एक साइकिल में कम से कम हम 10 से 15 पेड यूज करें तो कितने पॉलीथीन बैग हम डिस्पोज करते हैं एनवायरनमेंट में। हमें लगता है कि हम पॉलीथीन यूज़ नहीं करते या प्लास्टिक कम यूज़ करते हैं, लेकिन ये साइकिल के दौरान हम जो पेड यूज़ करते हैं उसके साथ हम कितनी वेस्ट हम मदर अर्थ को देते हैं। और वो डिस्पोज होने में, मतलब एक पेड डिस्पोज होने में 500 to 800 years लगते हैं। ऐसे सोच सकते हो कि हमने अब तक कितनी गंदगी या कितना पोल्यूशन फैला दिया है, हमें पता नहीं है और फैला दिया है, ऐसे हो गया है। तो जब मुझे पता चला तो थोड़ा डिफिकल्ट हुआ मेरे लिए स्विच करना। जैसे हम छोटे थे तो हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमारी मम्मा ने हमें इंट्रोड्यूस किया था क्लोथ, कॉटन क्लॉथ यूज करते थे हम। और जब पेड मार्केट में आए तो हमारे कंफर्ट के लिए हमने स्विच किया क्लॉथ से पेड पेड पे, लेकिन तब हमने इतना सोचा नहीं था। सिर्फ हमें लगता था कि यस इट्स वेरी कंफर्टेबल, बहुत कंफर्टेबल है, कहीं जाना आना है तो जल्दी से चेंज कर लो, वॉश करने की कोई झंझट नहीं है, पानी है या नहीं कोई झंझट नहीं है, तो हमें अच्छा लगा और हमने तुरंत स्विच किया। तो वैसे ही नाव डेज दिस इज न्यू थिंग। उसके बाद टेम्पटोन भी आया, बहुत सारी चीजें आई, लेकिन वो भी डिस्पोज करते हैं तो गंदगी भी फैलाता है। और जो लेबर्स है कि जो हमारे घर से कचरा लेके उसको डिस्पोज करते हैं, वो भी हमारी गंदगी को हाथ में क्यों ले? जब हमें हमारी गंदगी छूने में दिक्कत हो रही है after 10 days, तो सोचो कि वही पेड 5-10 days के बाद आप अगर कोई लेबर है कि वो उसे लेके डिस्पोज कर रहा है तो उससे उसकी हेल्थ पे असर होगा ही होगा। हालांकि बहुत सारी सोसाइटीज में ऐसे फैसिलिटीज है कि सैनिटरी वेस्ट अलग रखते हैं और उसे बर्न कर देते हैं, वैसे वैसे इंस्ट्रूमेंट भी है, लेकिन उससे एयर पोल्यूशन होता ही है। ये ऐसी चीज है कि ना तो इससे कोई एयर पोल्यूशन होने वाला है ना तो लैंड पोल्यूशन होने वाला है। और ये एक कप आप थ्रू आउट 10 years यूज कर सकते हो, ओनली वन कप, और इसकी कॉस्ट 500 से लेके जैसा मटेरियल उसके हिसाब से इसकी कॉस्ट जाती है, 2000 तक शायद जाती है इसकी कॉस्ट। सो कॉस्ट वाइज भी इफेक्टिव है ये, एंड यूज करने में भी लगेगा, हालांकि first 2 attempt में आपको लगेगा कि थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको इंसर्ट कैसे करें, इसको रिमूव कैसे करें, कैसे यूज करना है, कितने आवर्स ये रहेगा। सो आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन दिस ऑल द थिंग्स इन माई नेक्स्ट वीडियो। मेरे जैसे बहुत सारी लेडीज है जो ये मेंस्ट्रुअल कप यूज करके अपने मेंस्ट्रुअल जो साइकिल के 5 या 10 days जितने भी डेज रहते हैं वो ऐसे जीती है कि जैसे उसके साइकिल्स है ही नहीं। तो हमारी जिंदगी के जितने बोलते हैं ना कि 1 महीने में हम 5 या 6 दिन उसी दौर में से गुजरते हैं, तो वो फीलिंग ही ना आए और वहां पे ना तो हमें वेट फीलिंग लगे और हम फ्री घूम सके। सो वैसी ये मैजिकल चीज है। मैं आप सबको बोलूंगी कि आप ट्राई करो ये चीज को, और उसके बाद आप बोलोगे कि यस अब तक हमने ये ट्राई क्यों नहीं किया। और नेक्स्ट जनरेशन भी अभी एडवांस है, वो जब हमारे बच्चे छोटे हैं, मेरी बेटी छोटी है, तो मुझे डेफिनेटली ये ट्राई करना चाहिए कि नेक्स्ट जनरेशन अगर ये यूज करना चाहती है तो उसको इसमें क्या कंफर्ट जोन आता है या क्या दिक्कत होने वाली है, वो एज अ मदर मुझे पता है, तो मैं उससे अच्छे से
बता पाऊंगी कि ये चीज क्या है। मैं आप सबको बोलूंगी कि मदर अर्थ को सेव करने के लिए एंड स्पेसिफिकली हमारा जो टाइम है, ये महीने में 5 दिन या 6 दिन का जो हम स्ट्रेस में गुजारते हैं और कुछ बोलते हैं ना अनकंफर्ट में गुजारते हैं, वो अनकंफर्ट को थ्रो करने के लिए ये बेस्ट चीज है। प्लीज यूज दिस। और कुछ भी दिक्कत है तो आप अगर मुझे जानते हो और मेरा नंबर है, यू कैन पर्सनली कॉल मी, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। ज्वाइन विथ मी एंड लाइक मेरे जैसी बहुत सारी लेडीज है जो इसे यूज करती है, उसके साथ ज्वाइन करो। थैंक यू।